श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी वॉज सेंट टू गोइंग वर्ल्ड टू श्री रामदास जी ऑन दिस प्लेस टू बिल्ड दीज टेम्पल एंड नेक्टर ऑफ कूल. You know, this place is very calm, patience. That's why Shri Guru Amar Das Ji sent Shri Guru Ram Das Ji to this place to build this temple. And first of all, the nectar of cool excavation starting in 1577. After that, it was complete. Actual name Shri Harmandir Sahib. Golden. Many people called gold. की नाम है? मेरा नाम शेर सिंह है जी. क्योंकि जरा ऐसी पिछली उन्होंने पहला जो पता है गाइड्स जो ने वो सचखंड श्री मंदिर से प्रकटना किया है. तुसी दसो तुहाडा वर्क की है की जानकारी जिहड़ी है तुसी दे रहे हो. सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह. असी दरबार साहब के विच पांच गाइड सानू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरदार हरजिंदर सिंह धामी जी प्रधान साहब वालों सानू नियुक्त किया गया. सो असी पांच जाने गाइड वजो सेवा निभा रहे हैं जो कि असी आउट ऑफ स्टेट तो आने वाली संगत देशों विदेशों तो आने वाली संगत दरबार साहब की हिस्ट्री बारे दरबार साहब के इतिहास बारे असी जाणू करवाउने हाँ. क्योंकि आउट ऑफ स्टेट तो बहुत सारिया संगत आउंदियां ने ते जो बाहर तो पैसों के गाइड लैके आउंदियां ने असी दरबार साहब के विच फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हाँ. तो दरबार साहब की हिस्ट्री दसते हाँ क्योंकि दरबार साहब केवल सिखा का धार्मिक स्थान नहीं सारे धर्मों का धार्मिक स्थान है. ये चार दरवाजे ने भी आल वर्ल्ड सारी दुनिया के लोगों का इतने आने स्वागत है. हर एक जाति का वर्ण का रंग का लैंगुएज का मनुख इतने आ जा सकता किसी कोई भी रोक टोक नहीं है. असी दरबार साहब बारे दसते हाँ भी इनू एक गोल्डन टैंपल नहीं है. गोल्डन टैंपल इसलिए कहा जाता भी ये टोटली गोल्ड लगा हुआ है. इस करके कहा जाता है भी यदा नाम श्री हरिमंदर साहब है जो दुनिया के प्रचलित है कि इनू हरिमंदर साहब कहा जाता है हाउस ऑफ गॉड कहा जाता है. बाद असी दसते हाँ भी लंगर हाल कितने है लंगर हाल के की मर्यादा है पंगत की मर्यादा है लंगर की मर्यादा की है. सारे एक बिना जाति के भेदभाव के सारे लंगर छकाया जाता है. फिर असी दसते हाँ भी श्री अकाल तख्त साहब बारे इतिहास दसते हाँ बाबा दीप सिंह जी के इतिहास स्थान बारे दसते हाँ सरोवर की खुदवाई कदों हुई सी इस बारे दसते हाँ दरबार साहब की होर मर्यादा दसते हाँ दरबार साहब के अंदर जाने के वेले असी किवें दर्शन करने ने उस बारे असी जानकारी देंगे हाँ. सर साडे वल्लों पंजाबी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के विच असी गाइड करते हाँ. अगर कोई अदर लैंग्वेज आता है जिन्हें नहीं पता होता सर साडे ऑफिसर बैठे ने इनफॉर्मेशन के विच सर जेली हाडे तो लैंग्वेज नहीं असी गाइड कर सकते. वैसे तो असी पंजाबी हिंदी इंग्लिश के विच असी गाइड करते हाँ जे सानू उहदे तो इलावा किसी लैंग्वेज के विच करन दी आख्या जांदा असी साडे ऑफिसर बैठे ने इनफॉर्मेशन के विच उहनां कोल प्रोवाइड कर दिता जांदा. जे बाहर कोई गाइड आवे तो पैसे जिन्ना पैसे लैंदे आ तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते सर असी तुहानू दस्सिया भी असी फ्री ऑफ कॉस्ट ही इत्थे गाइडेंस दिंदे हाँ. क्योंकि बाहर तो आउट ऑफ स्टेट तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आउंदे ने कि जिथे उन्हां नूं पैसे देण दी पैसे उन्हां कोल किसे वेले पैसे ना भी होण ते उन्हां नूं गाइड ना भी मिले ते पर असी दरबार साहिब दे विच फ्री ऑफ कॉस्ट ही गाइड करते हैं. वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह. मैं जी हॉलैंड तो आया जी अपने इंडिया दे विच कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है मेरा एन आर आई निवासी दे विच हैगा मैं इत्थे ठहरिया होया वा. बाकी इत्थे दा जिहड़ा उत्थे दे भी इदां दे चंगे कम्मां च नेक कम्मां दे विच मेरा हिस्सा हैगा वा. आम जिहड़े लोग आ जिहड़े उत्थे दी मिर्ग हो गई उन्हां नूं मैं इत्थे बाणियां उन्हां दी मंगाउणा
बाकी इतने जब आया जो इन्हों एक गाइडेंस चाहिए जो बंद बहरों आते हैं उन्होंने एक इतने दर्शन वास्ते कि इतने का की कल्चर आ गुरु महाराज रामदास बारे गुरु जे धर्म धार्मिक मंदिर है धार्मिक जगह है उन्होंने बारे दसन वास्ते एक बंदा बहुत ज़्यादा जरूरी है जो ए सी पी सी वाले कर रहे हैं बहुत उपराला चंगा कर रहे हैं जेडे अज के दिन तो इतने लोग जोड़े आते हैं वो लोग इतने आन के एक गाइडेंस उन्होंने मिले और उन्होंने दसन का मौका मिल सके कि असी भी हरिमंदर साहब गए हैं हरिमंदर साहब सारी दुनिया के उत्तर पवित्र जगह हैगी है साढ़े सिखा का यह तरा वा सिखा का यह मोड आ जितों गुरु रामदास जी ने इतने लखा लोग लंगर खा के जाते हैं लंगर का मतलब नहीं किसी को पता भी की लंगर का मतलब है जो बाहरले लोग अंग्रेज लोग आते हैं ग्रुपों के ग्रुप आते हैं स्कूलों के ग्रुप आते हैं केरला चो मैनू कल मिले थे हरिद्वार तो मिले थे देहरादून तो मिले थे जम्मू तो लोग मैनू मिले आ इतने योजे जोड़े उपराले होने चाहिए बंबे कलकत्ता मद्रास बंगलौर तो बंदे मिले है एड्डी दूर तो बाई है लोग इन्ना खर्चा करके पुणे तो मेरे नाल कोई फैमिली आई सी पुणे तो आए आ वो इन्ना खर्चा करके इतने आते हैं तो इतने आके उन्होंने पूरी नॉलेज ना हो गुरु महाराज का की मर्यादा इतने की आ सारे का सारा सानू पता होना चाहिए सानू इतिहास बारे अपने बच्चों बारे उन्होंने दसना चाहिए स्कूलों के जो छुट्टियां होंगे सारे लोग इतने आना चाहिए वो इतने आके अपने बच्चों की जी है कोई पिकनिक डे नहीं है या कोई पिकनिक क्लास नहीं है इतने जो भी आएगा वो सारे का सारा जो भी है वो सारे का सारा इतने होना एंड आई एम फ्रॉम इटली या इट इज वी आर एट द गॉन्ज़ेस टेंपल एंड फॉर मी इज माय फर्स्ट टाइम देन आई एम हियर अलोन but in this place I can feel the peaceful and also it's very good because I understood that every religion they come here and they can live together and so it's a very beautiful thing for me. What is the benefit guides? My experience here in the Golden Temple or in India. The guide experience. Yeah, the guide experience is a good idea for the foreigner because they can explain better what is the meaning of this place, and I think it's most important to understand what is the real meaning of where we are, about where we are. You're welcome. Thank you. जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे रोजाना दूरों दूरों लखा संगत जी रोजाना नतमस्तक होने आँदी आ उहदे विच विदेशी भी आते हैं तो कुछ जिहड़े आ भारत के दूजे सूबों में जिहड़े कि पंजाबी नहीं जानते होर भाषावां समझते हैं उहदे वास्ते असीं उहनां दी सहूलत वास्ते असीं हुण पंज गाइड जिहड़े आ नियुक्त कीते ने भावें कि साडा इनफॉर्मेशन दफ्तर पहला ही चल रहा आ पर फिर भी संगतां दी सहूलत वास्ते कि जिहड़े इनफॉर्मेशन नहीं जाते सीधे परिक्रमा दे विच दर्शन करन आ जाते हैं तो असीं परिक्रमा दे विच पंज गाइड लाए ने वो जिहड़े सारियां भाषावां लगभग जानते हैं तो वो इन्हां संगतां नूं जिहड़ा वा वो जाणू करवाउंदे ने कि उन्होंने किस तरह दर्शन करने ने किस तरह मतलब अंदर जाना वा जां लंगर किवें छकना वा कित्थे आ सारे हर तरह की जिहड़ी भी उन्होंने जानकारी की लोड़ हुंदी उह दिंदे ने कि तां कि वह जिहड़े वा दर्शन कर सकन ते गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त कर सकन वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।